नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। महिलाएं आज आसमानों को छू रही हैं, वो नए नए मकाम हासिल कर रही हैं। वो चुनौतियां जो उनके रास्ते की बाधा समझी जाती थी, रुकावट मानी जाती थी, आज वो उन्हें पार कर रही हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज हमारे सामने हैं जहां महिलाओं ने अपने आप को साबित कर दिखाया है। और आज हमारी तेजस्विनी भी कुछ ऐसी ही हैं। सशस्त्र सीमा बल की पहली मुखिया प्रमुख डीजी हमारी आज की तेजस्विनी अर्चना रामसुंदरम। अभी हाल में जब सशस्त्र सीमा बल की मुखिया के तौर पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अर्चना रामसुंदरम की नियुक्ति का ऐलान हुआ, तो 60 सालों के इतिहास में पहली बार किसी अर्धसैनिक बल की कमान एक महिला अधिकारी के हाथों में गई। तमिलनाडु कैडर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अर्चना रामसुंदरम उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखती हैं। साधारण मध्यम वर्गीय परिवेश में पली बढ़ी और पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहने वाली अर्चना रामसुंदरम को सिविल सेवा में जाने के लिए उनके माता पिता का भरपूर प्रोत्साहन मिला। अनुशासित रहन सहन और यूनिफॉर्म के आकर्षण ने पुलिस सेवा में जाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। तमिलनाडु में अनेक अहम पदों पर कार्य कर चुकी अर्चना रामसुंदरम सीबीआई में भी महत्वपूर्ण पद पर काम कर चुकी हैं। इस नई जिम्मेदारी को भारतीय महिलाओं के नाम समर्पित करते हुए अर्चना रामसुंदरम जेंडर से ज्यादा लीडरशिप को तरजीह देती हैं, जहां एक महिला किसी भी तरह से पुरुष से कमतर नहीं आंकी जा सकती, जिसकी खुद एक जबरदस्त मिसाल है हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारी आज की तेजस्विनी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और पहली बार ये गौरव हासिल करने वाली इन 60 वर्षों में जिन्हें सशस्त्र सीमा बल की प्रमुख बनाया गया है, अर्चना रामसुंदरम। बहुत बहुत बधाई अर्चना जी आपको। सबसे पहले तो धन्यवाद। और आपने अपनी इस नियुक्ति को डेडिकेट किया है भारत की तमाम औरतों के लिए, और उन औरतों की तरफ से आपको बधाई भी। और ये जो इतना बड़ा विश्वास आपने उन्हें दिया है, इस विश्वास की जो आपके चेहरे पर जो विश्वास दमक रहा है, उसकी कहानी क्या है? कहानी तो बहुत सादी है कोई रहस्य नहीं है उसमें। लेकिन रहस्य तो नहीं है, आप इतनी मृदुभाषी हैं, आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन हैं, आपको देख के लगता नहीं है कि आप इतनी बड़ी पुलिस कॉप हैं? मुझे नहीं लगता कि पुलिस के काम को सक्षमता से करने के लिए मृदुभाषी होना कोई किसी तरह का हैंडीकैप है। लेकिन अक्सर पुलिस की एक जो छवि होती है कि वो बड़े दबंग होते हैं, वो बहुत एक अलग तरह की उनकी छवि निकल कर आती है, उस छवि में आप फिट नहीं होती। क्या वजह, क्या इसकी कोई खास वजह आपने आपने रखी है, या आपको लगता है कि यही एक तरीका है काम करने का? नहीं, देखिए क्या होता है, किसी की भी कोई भी नौकरी अगर हम ज्वाइन करते हैं या कोई करियर हम लेते हैं, तो उससे हमारा जो अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है, वो नहीं बदलती, और मैं समझती हूँ बदलनी भी नहीं चाहिए। तो मेरा जो एक व्यक्तित्व है वो मुझे लगता है वो मेरे प्रोफेशन से पूरी तरह से प्रभावित नहीं है, मेरा अपना एक व्यक्तित्व है। और मुझे कभी ऐसा नहीं रहा लगा कि ये मेरी कार्यक्षमता में या मेरे एक काबिल पुलिस ऑफिसर होने की राह में किसी तरह का इससे कोई रुकावट पड़ी हो, मुझे ऐसा नहीं लगा। और जहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी हों जहाँ पे टफ होना चाहिए, वहाँ पे ऐसा भी होना पड़ता है। तो टफ जहाँ पे होना है वहाँ आप टफ होते हैं। तो ये बताइए कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, मतलब जब आपको 60 सालों में देश में पहली बार किसी महिला को ये अवसर मिला है, उसको इस लायक माना गया है कि उसकी नियुक्ति सशस्त्र सीमा बल की एक प्रमुख के तौर पर हो, ये जो लम्हा है, ये जो मोमेंट है, आज तक किसी महिला के जीवन में नहीं आया, आपके जीवन में आया है, क्या आपको लगता है कि इसके लिए मतलब कहते हैं ना कि जब इतना कुछ हो जाता है तो आप किसे डेडिकेट करते हैं, घर में किसी को इसके लिए डेडिकेट करते हैं, अपने परिश्रम को करते हैं, किसको आप मानती हैं कि सबसे बड़ा फल
इस रूप में मिला है? इसका सबसे बड़ा श्रेय तो मैं अपने माता पिता को दूंगी, विशेष रूप से मेरे पिता को, जिन्होंने मुझे भारतीय पुलिस सेवा में आने के लिए एनकरेज किया। और मेरे दिमाग में शुरू में थोड़ा था, हालांकि मेरी इच्छा तो थी आईएएस और आईपीएस दोनों में से एक सर्विस को ज्वाइन करने की, पर क्योंकि आईपीएस को जैसा आपने खुद ही कहा है कि काफ़ी एक इमेज है सबके दिमाग में, तो वो मेरे में भी था, पर मेरे पिता ने मुझे विश्वास दिलाया कि नहीं तुम अच्छा कर सकोगे और ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, जो जो तकलीफमंद लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा काम तुम कर सकती हो। तो उस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए मेरे पिता ने मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया, तो मैं अपनी सफलता का श्रेय भगवान के बाद मैं अपने माता पिता को दूंगी। और हमारी जो सर्विस है वो बाकी सर्विसेज से हटकर है, तो इसमें परिवार का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शादी के बाद मेरे पति का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा, क्योंकि नहीं तो इस तरह की जो ऑड आवर्स ड्यूटी हैं और बिल्कुल ही जिसमें कोई 10 to 5 वाला नहीं है रूटीन, तो उसमें अगर आपको परिवार का और ख़ासकर पति का सहयोग नहीं मिले तो काफ़ी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। और मैं कभी भी मेरे को किसी भी असाइनमेंट में, चाहे से वो डिस्ट्रिक्ट एसपी की असाइनमेंट हो या रेंज डीआईजी की असाइनमेंट हो, मुझे अपने हस्बैंड का भी पूरा सपोर्ट मिला है। तो आपने जैसे कहा कि आपके पिता ने बहुत प्रोत्साहित किया जी, तो पिता तो आपके कभी पुलिस में थे नहीं, घर में भी शायद कोई पुलिस में, पुलिस की नौकरी में कभी नहीं था? नहीं, तो मेरे पिता तो पुलिस में नहीं थे, पर वो जुडिशरी में थे, रिटायर्ड एज ए जज, तो उनकी काफ़ी एक जिसको कहते हैं उस प्रोफेशन में पुलिस वालों के साथ तो काफ़ी नाता रहता, मिलना रहना और इंटरेक्ट करना, और अपने केसेस में भी वो पुलिस वालों के संपर्क में बहुत आए होंगे, तो उनको उनके दिमाग में जिसको कहते हैं ना एक यूनिफॉर्म को लेकर एक बहुत बड़ा एक उनके दिमाग में एक अट्रैक्शन था। और हम जो चीज़ खुद नहीं कर पाते हैं तो हालांकि ये ठीक नहीं होता है, पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उसको अचीव करें, तो उनका एक जो लव फॉर यूनिफॉर्म था वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे को आईपीएस में भेजने के पीछे उसका भी एक, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो मतलब कोई बेटा, कई बार होता है ना कि बेटे को उसके लिए शायद ज़्यादा काबिल मानते हैं, उन्होंने बेटी को माना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, और ख़ासकर जिस तरह का मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैं ईस्टर्न यूपी के एक बहुत ही रूढ़िवादी परिवार से आती हूँ, और वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाना ही बड़ी बात है, तो यहाँ ना केवल उन्होंने मुझे पढ़ाया, शिक्षा दी, बल्कि मेरे को एक अनकन्वेंशनल जॉब में आने के लिए प्रेरित किया। तो क्या आपके मन में भी था कुछ ऐसा, जैसे वो एक आप कह रही हैं कि पिताजी को एक यूनिफॉर्म से एक बड़ा लगाव था, वर्दी का अपना एक रौब रुतबा होता है, तो क्या आपको भी उसी दे पहले खींचा इस तरफ, या मतलब क्या ऐसा फीलिंग्स आ रही थी कि नहीं मुझे ये करना चाहिए? नहीं, ऐसा ये यूनिफॉर्म वाली बात तो रहती ही है दिमाग में, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था मेरे लिए, ऐसा नहीं था। उस ज़माने में मैं 1980 की बात कर रही हूँ, 1980 बैच की हूँ मैं, 1978 में मैंने एमए किया और काफ़ी छोटी उम्र में मैंने आईपीएस ज्वाइन किया, तो उस वक्त में अगर आप पढ़ाई में अच्छे हों, आई वॉज अ थ्रू आउट टॉपर, तो उसमें सभी लोग आपको ये सलाह देने लग जाते हैं, आपके खुद में मन में भी आने लगता है कि भी सिविल सर्विस इज द करियर फॉर यू, तो वो एक बात अपने आप में रही। और उसके अलावा उन दिनों जब मेरे को लगता था कि अगर मैं कोई ऐसी सर्विस करूं जिसमें मेरे को सिर्फ मंथली सैलरी से ही मतलब नहीं रहे, वहाँ मैं कुछ कर पाऊँ, समथिंग, आई मीन आई शुड बी एबल टू मेक अ डिफरेंस, तो अभी भी उस ज़माने में भी और आज भी जो सिविल सर्विसेज हैं वो अपने आप में एक क्रेज बहुत बड़ा आपको एक ऑप्शन देती हैं, मौका देती हैं। तो क्या मुश्किल हुआ था जब आपने तैयारी शुरू करी? वैसे तो आप कह रही हैं आप थ्रू आउट टॉपर रही हैं, तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रहा होगा, बट फिर भी लोग बड़ी मेहनत करते हैं। हाँ, सिविल सर्विसेज के लिए मेहनत तो करना पड़ता है, और मुझे भी करना पड़ा, और एमए करने के बाद मैं कुछ दिनों लेक्चरर रही इकोनॉमिक्स में। अच्छा।
राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पढ़ाने के साथ साथ मैं सिविल सर्विसेज के इम्तहान की तैयारी भी मैंने करी। तो ये मुश्किल तो है और बड़े फोकस के साथ आपको तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, आपने एमए भी डबल किया, आर्ट्स में भी किया और शायद साइंस में भी आपने किया? नहीं, वो बाद में जो मैंने सर्विस में रहते 2 साल की स्टडी लीव ली और 89 to 91, दैट वाज द पीरियड आई वेंट अब्रॉड, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, उसमें मैंने मास्टर ऑफ साइंस इन क्रिमिनोलॉजी किया। अच्छा, ओके, तो दे कॉल इट एमएस, मास्टर ऑफ साइंस डिग्री। ओके, तो आपने तमिलनाडु, आपका कैडर था तो आपने ज्यादातर नौकरी जो है वो तमिलनाडु में रहकर? हाँ जी, तमिलनाडु में। आप बता रही हैं आप विशुद्ध उत्तर भारतीय थी और फिर आप चली गई वहाँ, फिर वहाँ आपने शादी भी उन्हीं से की जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो क्या कुछ परेशानी हुई थी, क्योंकि काफ़ी कल्चर में चेंज आ जाता है, लैंग्वेज एक बहुत बड़ी एक वो बात होती है, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा था, कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ा था जब आप वहाँ चली गई, पूरी सर्विस में आ गई? देखिए, जहाँ तक तमिलनाडु जाने का प्रश्न है, हम लोगों का जो अलॉटमेंट होता है वो एक इनसाइडर और आउटसाइडर का एक कोटा होता है हर स्टेट में, और आईपीएस ऑफिसर्स का जो अलॉटमेंट होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। तो उसमें अगर आपको होम स्टेट नहीं मिलती है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, तो काफ़ी लोग हैं जो नॉर्थ के हैं और साउथ में जाते हैं, और जो साउथ के हैं वो नॉर्थ में जाते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि मेरे ही साथ ऐसा हुआ है, बाकी भी कई ऑफिसर्स के साथ ऐसा होता है। तो उस ज़रूर है कि शुरू में एक भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था, बहुत बड़ा चैलेंज था, तमिल इज़ अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, पर धीरे धीरे जो एक वर्किंग नॉलेज है वो आने लगी, और हम लोगों को वहाँ पर कुछ एग्ज़ाम भी पास करने पड़ते हैं, आईएएस ऑफिसर्स को, आईपीएस ऑफिसर को स्टेट के लैंग्वेज एग्ज़ाम हुए या स्टेट का अपना कोई मैनुअल हुआ या स्टैंडिंग ऑर्डर हुआ, उसके एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा सा जो इनिशियल जो एक टोटल एक डिस्कम्फर्ट था वो ख़त्म होने लगा। और सबसे बड़ी बात मैंने वहाँ पर ये महसूस करी तमिलनाडु में, जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई, कोयम्बतूर में मेरी ट्रेनिंग हुई, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग जिसको हम लोग कहते हैं, फिर मेरा पहला सब डिविजन था मदुरई, सेलम, तो इनमें काफ़ी रूरल एरियाज भी हैं। अच्छा, तो मेरे को लगता था कि वहाँ के जो गांव के जो समस्याएं हैं लोगों की, वो वही थी जो यहाँ पर हो सकती हैं। और सबसे बढ़िया बात मेरे को वहाँ ये लगी कि महिलाओं का बड़ा सम्मान था। तो कई बार क्या होता था कि योर जेंडर बिकम्स एन एडवांटेज फॉर यू। अच्छा, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, वहाँ पे शायद आपका मेल काउंटर पर जाके खड़ा हुए तो उसकी बात वो कम सुनेंगे, आप जाएंगे तो वो ज़्यादा सुन लेंगे। तो इस तरह का एक जो एडवांटेज है, जो एक वहाँ के लोगों का एक अपनापन है, और भाषा की परेशानी होने के बावजूद भी, इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होने के बावजूद भी, जितना मुझे पब्लिक का सहयोग और सम्मान मिला है उससे मेरे को लगता है काम करना बहुत आसान हो गया। जी, लेकिन जाहिर है इस काम में मुश्किलें तो जरूर आई होंगी, मुश्किलों के बारे में भी जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं तेजस्विनी में और तुरंत हाजिर होते हैं। आज हमारे साथ अर्चना रामासुंदरम है जो कि अभी अभी डीजी बनी है सशस्त्र सीमा बल की, छोटे से ब्रेक के बाद। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अर्चना रामासुंदरम है जिनसे हम बात कर रहे हैं और उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अर्चना जी, जब वो कहते हैं कि वर्दी में तो बहुत स्मार्ट लगता है आदमी, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन काम बड़ा मुश्किल होता है और पेचीदा होता है, और महिलाओं के लिए जैसे आपने कहा कोई 9 to 5 नहीं होता, बहुत टफ जॉब होती है, तो क्या कुछ दिक्कतें भी शुरू में जब आप आई थी फील्ड में, तो क्या कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं भी हुई थी या उनसे कैसे निपटी आप और कैसे आपने उनसे तारतम्य बिठाया? नहीं, परेशानी का जहाँ तक सवाल है, ऐसा कोई मैं नहीं कहूँगी कि कोई बहुत ही
उस तरह की विकट स्थिति आई हो, पर हाँ थोड़ा बहुत एक लगा रहा। जैसे मैंने जब ज्वाइन किया तब मैंने पाया कि मैं पूरे बैच में एक ही लेडी ऑफिसर थी, तो वो भी एक थोड़ा इंसान शुरू में नर्वस महसूस करता है। और जिस तरह का मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, शुरू में तो एक डेढ़ महीने मेरे को बिल्कुल ही आई यूज टू फील समवॉट ऑकवर्ड और नर्वस, पर हमारा बैच भी बड़ा अच्छा है। और पुलिस की ट्रेनिंग में क्या होता है कि हालांकि मुश्किल तो बहुत है, पर जो आपका जो ट्रेनर स्टाफ होता है वो काफ़ी एनकरेज करता है। तो दो तीन महीने के बाद उसमें भी जिसको जो जो परेशानियाँ थी शुरू वाली और एक टीथिंग प्रॉब्लम, इनिशियल हेजिटेशन, टीथिंग प्रॉब्लम्स कह लीजिए आप उसे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और मेरा बैच भी बहुत अच्छा है, हम लोग सारे बैचमेट्स आज बिल्कुल एक परिवार की तरह हैं, इतने साल हो गए, 35 साल से ज़्यादा हो गए, तो उससे भी बड़ी मदद मिली। और जॉब में जाने के बाद क्या होता है, शुरू शुरू में तो एक परेशानी तो होती ही है, आप के जो सीनियर्स हैं कई बार आपको कोई जिम्मेदारी देने से पहले उनका एक जो आपके प्रति विश्वास होता है थोड़ा सा कहीं कम होता है, तो मतलब आपको लगता है कि वो बॉडी लैंग्वेज से आप समझ जाते हैं और उनके कहने से भी, तो एक प्रेशर रहता है कि नहीं इस काम को बहुत अच्छी तरह से करना है। जी अक्सर हम कहते हैं ना कि एक ग्लास सीलिंग होती है, ऐसा भी कहते हैं लोग, फिर लोग ये भी कहते हैं कई बार विश्वास की कमी होती है, उनको लगता है कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो मतलब इस तरह की चीज़ों से काफ़ी दो चार होना पड़ता है, और जाहिर है सभी को होना पड़ता है, आपको भी होना पड़ा हो। शुरू के जो हमारे बैचेस थे हम सभी को इस तरह की समस्या रही है, क्योंकि हर जगह आप हो सकता है आप पहले हों या दूसरे हों, तो सिस्टम को आपके साथ एक जो इक्वेशन है उसको बैठाने में थोड़ा समय लगता है। पर अब जो आईपीएस ऑफिसर्स आ रही हैं, लेडी ऑफिसर्स जो आ रही हैं, मुझे लगता है उनके लिए काफ़ी सुगम हो गया है, क्योंकि अब एक तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा है और दूसरे लोगों को भी ये समझ में आ गया है कि इसमें जो खास करके एक आईपीएस ऑफिसर का जो काम है, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी। जी बिल्कुल, जेंडर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, तो नेतृत्व की अगर आप में क्षमता है, अगर आप अपने काम को समझते हैं, और पुलिस में क्या है पूरा टीम वर्क होता है, चाहे से मैं सब डिविजन में हूँ या किसी रेंज में हूँ या डिस्ट्रिक्ट में हूँ, सीबीआई में 7 साल मैंने काम किया है, क्राइम ब्रांच की मैं एडिशनल डीजीपी रही हूँ, आज एसएसबी में हूँ, तो मेरे लिए कहना कि मैं ये कर रही हूँ सही नहीं है, वहाँ पर कोई मैं नहीं है, हम है। तो एक जो टीम वर्क होता है उसमें आप कितना अपनी टीम को अपने साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं, कितना उनका विश्वास आपके प्रति है, कितना वो आपको समझ रहे हैं, एंड दे गिव योर बेस्ट टू यू एंड यू गिव योर बेस्ट टू देम। जी पर तो ये बताइए कि क्यों 60 साल लग गए किसी एक महिला को इस पद पर आने के लिए? देखिए मैं इसको 60 साल के लंबे अरसे से मैं नहीं देखूंगी। एक तो देखिए भारतीय पुलिस सेवा में ही महिलाएं देर से आई हैं, और उसके बाद धीरे धीरे अब इस सीनियोरिटी के लेवल पर पहुंच रही हैं। तो आज आप मेरा ये प्रश्न ले लीजिए, ये बात अलग है कि मैं पहली महिला हूँ इस पोस्ट में, तो कुछ मीडिया का भी फोकस है, न्यूज़ में भी आ रहा है, पर देखा जाए तो ये एक अपने आप में बड़ी साधारण सी बात होनी चाहिए। मैं 1980 बैच की आईपीएस ऑफिसर हूँ जी, और मेरे बैचमेट्स भी इन पोजीशंस में हैं, देन व्हाई नॉट मी। तो मैं यहाँ पर अगर हूँ तो इसलिए नहीं कि मैं एक वुमेन ऑफिसर हूँ, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ 1980 बैच की, मैंने इतने दिनों का मेरा अनुभव है, मेरी सीनियोरिटी है, मेरी कॉम्पिटेंस है, तो वो जो लेवल है महिलाओं को अब मिल रहा है, उस लेवल पर पहुंच रही हैं। तो एक ग्लास सीलिंग वाली जो आपने बात कही है, देखिए उसमें मैं ग्लास सीलिंग भी उसको नहीं कहूंगी, एक वो एक थोड़ा सा वो वही वाली बात, वो जो इनिशियल एक रिलक्टेंस होती है कि वेदर शी विल बी एबल टू डू इट और नॉट, वो जो चीज़ है वो धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। अच्छा, जैसे आपने खुद भी कहा कि खासतौर से इस तरह की जो ये आर्म्ड फोर्सेज हैं आपकी पुलिस की, इसमें और ज़्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनको आना चाहिए, अभी हम देख रहे हैं कि उनका नंबर बहुत कम है, तो उस दिशा में क्या कुछ आप करना चाहती हैं भविष्य के लिए? बिल्कुल, ये इस विषय पर तो एक सर्वसहमति है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पुलिस में ज़्यादा होना चाहिए, और MHEB की भी कुछ गाइडलाइंस है, और उस तरफ से अब रिक्रूटमेंट भी जो हमारे हो रहे हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। जैसे जहाँ तक SSB का सवाल है, 1200 के आसपास यहाँ महिलाएं हैं, जो पूरी हमारी जो वर्कफोर्स है उसका एक बहुत ही छोटा परसेंटेज आप
दो प्रतिशत से भी कम होगी। तो अभी तो हमारी ये चेष्टा है कि हम अभी जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और जिस तरह से महिलाओं की भर्ती को देखा जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, तो अगले दो सालों में हम उसको एक कम से कम जो 5% जो एक लेवल दिया गया है एमएचई की तरफ से, उसको ले आए। उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जो उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है, काम करने का माहौल है, उसमें भी सुधार आना चाहिए जी। तो मैं जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है, मैं ये भी देखना चाहूँगी यहाँ कि उनका नंबर कैसे बढ़े, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़े, उसके अलावा उनके जो काम करने का जो एनवायरनमेंट है उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ आएँ जिससे उनका काम करने का तरीका अच्छा हो सके। और जहाँ तक वेलफेयर का सवाल है, मैं फिर ये भी कहना चाहूँगी कि अगर मैं डीजी हूँ वहाँ, तो सबके लिए हूँ। तो जहाँ तक वेलफेयर का सवाल है, वहाँ पर मैं ये भी देखना चाहूँगी कि हमारा जो स्टाफ है डीजी एसएसबी का, खासकर जो सबॉर्डिनेट रैंक्स हैं, उनकी कोई समस्या हो या उनकी कोई ऐसी उनके एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ हम बदलाव ला सकें जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ सके, तो वो भी मैं देखूंगी जी। मतलब आप क्योंकि सबकी डीजी हैं इसीलिए जी। लेकिन ये बताइए कि आप वैसे तो जाहिर है पुलिस कॉप की जिंदगी बहुत मतलब बिजी रहती है, लेकिन फिर भी अपने लिए कुछ वक्त अगर आप निकालती हैं तो क्या करती हैं आप उस वक्त में, क्या करना पसंद करती हैं आप? मेरा पहला तो मैं कहूंगी एक हमेशा से रहा है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब खासकर जब हम जूनियर लेवल्स पर थे, एसपी थे या डीआईजी थे, एसपी मैं कहूंगी, थोड़ा सा भी टाइम मिलता था तो स्पेंड विद योर फैमिली, हाँ ये रहता था जी उस वक्त। क्योंकि मेरा जो अपना शौक है, आई लाइक टू रीड अ लॉट, एनीथिंग आई कैन ले हैंड्स ऑन, फिक्शन हो नॉन फिक्शन हो, और म्यूजिक का थोड़ा बहुत मेरे को शौक है। तो पर इस शुरू में मेरे को लगता था कि हॉबीज वर एन एब्सोल्यूट नो नो, अच्छा थोड़ा सा भी टाइम मिले तो स्पेंड विद द फैमिली, स्पेंड विद द चिल्ड्रन। और अब हाँ, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब उन्हीं को हमारे लिए वक्त नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी ये बताइए कि घर में बच्चे ये तो नहीं कहते थे कि बहुत पुलिस वाला जो है वो आपने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है घर में, नहीं? कभी कभी उनको लगता है ये तो है, आई एम मोर ऑफ अ डिसिप्लिनेरियन, दे आर मोर कंफर्टेबल। टीचर्स के लिए भी कहते हैं ना कि घर में भी टीचर जैसे बिहेव करते हैं। नहीं, मेरे दोनों मेरे दो बेटे हैं और वो दोनों अपने पिता के साथ ज्यादा उनकी छंती है। आई एम द लिटिल, इसको कहते हैं ना ये करो वो करो, वो चलता है आपका घर में वो मेरे ख्याल से उसमें मेरा पुलिस ऑफिसर होने वाली बात उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आई थिंक दैट्स ट्रू ऑफ मेनी ऑफ अस। हाँ, मतलब लेकिन एक जैसे कहते हैं स्ट्रिक्ट मदर के तौर पर आप ज्यादा अनुशासन प्रिय। अनुशासन प्रिय तो हूँ मैं, पर मुझे नहीं लगता कि उसमें वो फॉलो करते हैं। हाँ, इतना अच्छा। हाँ। जी, तो अभी जैसे आपने कहा रीडिंग का आपको शौक है, वक्त कम मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे और भी इश्यूज हैं, और ख़ास तौर से जब एक महिला ऐसे मकामों पर पहुंचती हैं, हम देखते हैं महिला सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है इस देश में, जिस तरह से लड़कियों के साथ आया मतलब सरेआम कैपिटल को तो कहा ही जाता है कि रेप कैपिटल बन गई है, इस तरह की चीज़ें हैं, आप जब इनको सुनती हैं और ख़ासतौर से एक पुलिस कॉप होने के नाते, तो क्या लगता है आपको क्यों इस तरह का माहौल बन रहा है और क्यों हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं? एक जो आप बात कह रही हैं कि क्राइम बढ़ा है, पर्टिकुलरली क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वो एक अपने आप में समस्या तो है ही, पर कई जगह मैंने ये नोट किया है, सब में नहीं पर कुछ जो कैटेगरीज है जैसे डाउरी रिलेटेड हो गए या कुछ और भी क्राइम है, उनमें कई बार जो एक जागरूकता भी बढ़ी है लोगों की, तो उस वजह से भी जो क्राइम का फिगर है कई बार बढ़ जाता है। पर हाँ, ये आपकी बात बहुत सही है कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज सा बन गई है। एक तो क्या हो रहा है कि अब महिलाएं बाहर ज़्यादा आ रही हैं, काम के लिए बाहर आ रही हैं, घूमने फिरने के लिए बाहर आ रही हैं, पढ़ने के लिए बाहर है, तो एक प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा है बाहर, और जो लोगों का जो माइंड सेट है वो अभी तक उस तरह से नहीं इवॉल्व हुआ है कि एक महिला को
अगर वो देख रहे हैं तो उसको एक फ्रेंडली रूप में देख सकें या क्या, तो एक एक कमोडिटी वाली बात होती है वो अभी भी बहुतों के दिमाग में है. महिलाओं के प्रति जो इज्जत है अभी भी कई लोगों को नहीं करनी आती. तो मैंने जैसे आपको जब मैंने मदुरई या कोयम्बतूर की अपनी बात कही तो मैंने ये कहना चाहा, क्योंकि वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि अगर एक महिला है तो आपका सम्मान है. तो एक तो महिलाओं का जो सम्मान लोगों के दिमाग में है वो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि एक तो या तो अनोनिमिटी आ गई है, आप इतना किसी को जानते नहीं हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. पर आपको लगता है कि पुलिस बल में अगर ज़्यादा महिलाएं आएंगी तो हम काफ़ी कुछ इन चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इन चीज़ों को अच्छे से महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देने वाली भी तो एक बात है. उसमें यहाँ तक महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने वाली बात है, उसमें मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगी, नॉट ओनली एज अ पुलिस ऑफिसर बट ऑल्सो एज अ वुमेन, कि ये अगर हम सोचें कि ये सिर्फ पुलिस की समस्या है तो ये सही नहीं है. ठीक बात. जहाँ तक अपराध का सवाल है, अगर वो हो जाता है उसके बाद रजिस्ट्रेशन से लेके इन्वेस्टिगेशन से लेके चार्जशीट लगाने से लेकर, ठीक है ये पुलिस की जिम्मेवारी है, पेट्रोलिंग भी पुलिस की जिम्मेवारी है, एक अच्छा वातावरण जिसमें ना केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी अपने को सेफ महसूस करके, बहुत ज़रूरी है. पर जहाँ तक अपराधों को रोकने की बात है उसमें समाज का भी एक दायित्व होता है, उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी एक दायित्व होता है, उसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है. तो कहीं ना कहीं एक इसको हम एक पुलिस प्रॉब्लम कह के अगर हम इसको हैंडल करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस इशू को बहुत एक वी आर लुकिंग एट इट ओनली फ्रॉम अ वेरी नैरो पर्सपेक्टिव. अब चलते चलते आखिरी सवाल ये कि अब SSP की आप DG प्रमुख बन गई हैं, क्या कुछ चुनौतियां आप अपने आगे मानती हैं? सबसे बड़ी तो देखिए चुनौती है कि क्योंकि मैं एक महिला हूं और पहली बार कोई महिला इस पद पर आई है तो एक ये रहता है आपके दिमाग में कि भाई बहुत अच्छा करना है और कल को जो महिला अधिकारी हैं उनके लिए एक बहुत आसानी हो जाए. रोल मॉडल भी खड़ा करने वाली बात है. रोल मॉडल तो देखिए मैं रोल मॉडल की थ्योरी में विश्वास नहीं रखती. हर एक का अपना व्यक्तित्व होता है, हर एक का काम करने का तरीका अपना होता है. हो सकता है कि मैं किसी चीज़ को ए मेथड से करती हूँ, आप उसको बी मेथड से करेंगे. ठीक बात है. तो हाँ ये ज़रूर है कि मैं यहाँ पर रह के मैं कम से कम कल को कोई ये नहीं कहे कि भाई महिलाओं को ये पद देने में हमें सोचना पड़ेगा. तो ये जो भावना है वो निकल जानी चाहिए. और क्योंकि मेरे को ये चुनौतीपूर्ण जो असाइनमेंट मिला है उसका जो आपने मैंडेट देखा होगा तो वही है कि बॉर्डर में जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, लोग हैं, उनमें एक टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो एक हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करना है. और जो ट्रांस बॉर्डर जो जिस तरह के जो अपराध हो रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है उस पर एक नज़र रखना, तो ये एक अपने आप में ही बहुत चुनौतीपूर्ण मैंडेट है, उसको मेरे को ठीक से उसका निर्वाह करना है. दूसरी बात जो इस फोर्स में बहुत ही अच्छी है, कुछ प्रोग्राम्स जो हैं क्योंकि जनता के साथ बहुत एक क्लोज रिलेशनशिप है SSB के, एंड दे एंजॉय लॉट ऑफ गुडविल अमंग द पीपल दे आर सर्विंग. तो जो इस तरह के इनके प्रोग्राम्स हैं सोशल आउटरीच वाले, उनको भी मैं चाहूँगी कि और उनमें तेजी लाई जाए. और अगर उसमें कहीं ना कहीं हम एक प्रोग्राम्स में गर्ल चाइल्ड पर फोकस कर सकते हैं तो मैं उस पर भी काम करना चाहूँगी अपनी टीम के सहयोग से. बिल्कुल आप ज़रूर करेंगी और हमें उम्मीद है कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसे आप बखूबी निभाएंगी एक महिला होने के नाते. बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से. आप तेजस्विनी में आई, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी अर्चना रामासुंदरम. एक और शख्सियत मुलाकात कराएंगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. नमस्कार.